न्यूज इन इंडिया में शिवानी शर्मा आप देख रहे हैं सबकी खबर सच्ची खबर। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का विधायक कमलेश सैनी ने अनावरण किया। चांदपुर बिजनौर बाईपास रोड स्थित नेहटौर चौराहा समीप सैनी समाज की धर्मशाला और मंदिर है, जिसमें शिव मंदिर से लगी हुई शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापित थी, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सैनी समाज ने बताया कि इसी परिसर में शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिमा लगभग 2 दशक पूर्व में स्थापित की गई थी, जिसको असामाजिक तत्वों ने मंदिर धर्मशाला की जमीन पर नाजायज कब्जा बनाए रखने के उद्देश्य से मूर्ति को कई बार क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस संदर्भ में पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस पूर्व में सत्ता से जुड़े लोगों पर कार्यवाही करने से बचती रही, यानी असामाजिक तत्वों ने सैनी समाज की इस धर्मशाला मंदिर की चार दीवारी को तहस नहस कर दिया था। बीजेपी की सरकार में क्षेत्रीय विधायक कमलेश सैनी के अथक प्रयासों से क्षतिग्रस्त शहीद भगत सिंह की मूर्ति को मंगलवार को आज पुनः स्थापित कर दिया गया। आज विधायक के आदेश पर नगर पालिका परिषद द्वारा शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिभा को पुलिस कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। मौके पर अधिशासी अधिकारी शिवराज सिंह व विधायक पति हरिराज सिंह तथा बीजेपी के अशोक कुमार नेता राजेंद्र त्यागी बीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सरदार भगत सिंह की मूर्ति काफी समय पहले से खंडित पड़ी थी और उसके बाद कई विधायक भी यहां बने हैं, लेकिन किसी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सरदार भगत सिंह की मूर्ति खंडित है, उनको हम स्थापना कराएं उसकी। आज पुनः सरदार भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना यहां हुई है और बराबर में शंकर भगवान का मंदिर भी है। इसमें ताला पड़ा था, कब से ताला था? नहीं, ताला नहीं है, वो ताला उन्होंने डाल रखा जो इसमें पूजा उजा करते हैं। अच्छा। उनका ही ताला है। ठीक है।